हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अभी हमारा पेरोल का टॉपिक चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आगे दो वीडियो बना के रखी है ऑलरेडी, पार्ट वन और टू, जिसमें हमने पेरोल के बारे में सीखा कि पेरोल में आपको यूनिट कैसे क्रिएट करने हैं और अटेंडेंस टाइप कैसे क्रिएट करने हैं। तो आज की इस वीडियो हमारी थर्ड नंबर की वीडियो है, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि पेरोल में हम पे हेड्स कैसे बना सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और मेन वीडियो है, यानी कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। अगर आप पे हेड सही से क्रिएट करेंगे तो आपका जो भी सैलरी स्लिप में काउंटिंग होगा ऑटोमेटिकली वो सही से होगा। तो पे हेड्स में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इतने तरीके के हमारे पे हेड्स आते हैं और भी कुछ पे हेड्स होंगे अगर आपकी कंपनी में है। तो आपने सैलरी स्लिप में देखा होगा कि आपको बेसिक सैलरी के अलावा HRA मिलता है, DA मिलता है, EPF आपका डिडक्ट होता है, ESI डिडक्ट होता है, लेट डिडक्शन होता है, ओवरटाइम पेमेंट आपको ज़्यादा मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन होता है। तो इसी तरीके के अलग अलग प्रकार के अलावंस और डिडक्शन होते हैं, तो जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पेरोल का हमारा ये आर्टिकल जो है वो पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो आज हम पे हेड्स के बारे में जानने वाले हैं, जो हमारा स्टेप फोर है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी हमारा टेलीग्राम का फुल कोर्स चल रहा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीप्राइम कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और लोगों तक शेयर करें और हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बनाते रहें। और हमको वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप सबकी कमेंट और लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपको हम दूसरी भी नॉलेजेबल वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो हमें आप कमेंट में जरूर से बताएं कि आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया या नहीं किया। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है तो उसको भी आप कमेंट में जरूर से सब्सक्राइब ऐसा लिख के कमेंट करें, ताकि हमको भी आइडिया आ सके कि कितने लोगों ने नया नया हमको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेलीप्राइम में चले जाते हैं और यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे, तो यहाँ से हमको पे हेड्स बनाने हैं। तो पेरोल मास्टर में आपको पे हेड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से पे हेड्स मास्टर में सबसे पहले हमसे नाम पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि पे हेड्स में हम यहाँ पर इतने तरीके के पे हेड्स बनाने वाले हैं, यानी कि सैलरी स्लिप में ये इतने प्रकार के आपको डिडक्शन और अलावेंस हमको बनाने हैं। अगर आपको और भी बनाने हैं तो आप अपनी कंपनी के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन हम आज की इस वीडियो में इतना देखने वाले हैं। तो पे हेड्स यानी मैंने आगे आपको वीडियो में बता दिया था कि पे हेड्स यानी कि अलग अलग तरीके के हमारे अलावेंस डिडक्शन होते हैं, उसको हम पे हेड बोलेंगे। सबसे हम पहले हम बेसिक सैलरी का पे हेड बना देंगे, और यानी कि उसको हम नाम में बेसिक सैलरी रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे हेड की इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला आपको ऑप्शन मिल रहा है पे हेड टाइप। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको अलग पे हेड टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो ये हम बेसिक सैलरी का पे हेड बना रहे हैं, तो उसमें हमारा जो है वो आएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, राइट। तो इसको हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सिलेक्ट कर देंगे, और इनकम टाइप में हम इसको फिक्स रखेंगे, क्योंकि हमारी जो बेसिक सैलरी होती है वो हमारी फिक्स ही होती है, वो वेरिएबल नहीं होती है। और यहाँ पर अंडर में हमको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और यहाँ पर अफेक्ट नेट सैलरी में हमको यस करना है, और
पे स्लिप में हमको बेसिक सैलरी ही डिस्प्ले में चाहिए तो हम बेसिक सैलरी रहने देंगे और ग्रेजुएटी वाला ऑप्शन को भी नो रहने देंगे। और कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसमें से हमारा जो बेसिक सैलरी है वो फ्लैट रेट पर रहेगा, यानी कि वो बार बार चेंज नहीं होता है, तो हम इसको फ्लैट रेट ही रखेंगे। लेकिन आगे हम जो दूसरे पेहेड बनाएंगे उसमें अलग अलग तरीके के कैलकुलेशन होंगे, तो हम उसमें अलग अलग तरीके का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको फ्लैट रेट सिलेक्ट कर दूंगी कैलकुलेशन टाइप में, और कैलकुलेशन पीरियड में मंथ कर दूंगी, क्योंकि हमारा जो सैलरी है वो मंथ में काउंटिंग होता है। तो बेसिक सैलरी का पे हेड हम इस तरीके से बनाएंगे, जिसमें हम पे हेड में अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे, इनकम टाइप में हम फिक्स सिलेक्ट करने वाले हैं, और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे, और साथ में यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में आपको फ्लैट रेट लिखना है और कैलकुलेशन पीरियड में आपको मंथ सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप बेसिक सैलरी बना सकते हैं और इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो हमारे बेसिक सैलरी बन गया है, तो अब हम बनाने वाले हैं एचआरए। तो हम यहाँ पर एचआरए जो देंगे वो हम 5% देने वाले हैं, लेकिन आप अपनी कंपनी में जितना परसेंटेज एचआरए चलता है आप उतना परसेंटेज दे सकते हैं, लेकिन वो हम आगे देखने वाले हैं। तो नेम में हम यहाँ पर सबसे पहले हाउस रेंट अलावेंस लिख देते हैं, और यहाँ पर पे हेड टाइप में अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ही आएगा, क्योंकि ये एचआरए जो है वो एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है। और इनकम टाइप में भी हम यहाँ पर फिक्स ही रहने देने वाले हैं, और अंडर में भी हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देंगे। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हम यहाँ पर एचआरए लिख देते हैं, यानी कि शॉर्ट में भी हमारा पे स्लिप में आ जाए। यूज फॉर कैलकुलेशन ग्रेजुएटी में हम नो रहने देने वाले हैं, और कैलकुलेशन टाइप में हम यहाँ पर करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, यानी कि हम अलग से यहाँ पर बताने वाले हैं कि हमको एचआरए कितना देना है। तो नीचे यहाँ पर हमको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, और यहाँ पर आपको कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपको ये जो एचआर है वो उसका कंप्यूटेशन कैसे करना है, यानी कि एचआरए कितना आपको देना है। तो हम यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। उसके बाद में हमसे ये पूछ रहा है कि आप जो स्पेसिफाइड फॉर्मूला देने वाले हैं, यानी कि एचआरए जो है वो किस पे आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी को ही सिलेक्ट करने वाले हैं, और इसको हम एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे। और यहाँ से इफेक्टिव फ्रॉम लिखा है, यानी कि कब से ये इफेक्ट में होगा। तो हमारा जो एचआरए होता है वो बेसिक सैलरी पे ही कैलकुलेट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कंप्यूट में ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लिखा है, और नीचे बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं अमाउंट ग्रेटर देन, और यहाँ पर है अमाउंट अप टू, यानी कि आपको जो एचआरए है वो कितनी सैलरी से कितना देना है ये हमसे पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही देने वाली हूँ कि हमको हर एक पर्सन को 5% का एचआरए मिलना चाहिए। तो वैसे आप यहाँ से अलग अलग तरीके का बना सकते हैं लेवल, कि 50,000 से 1,00,000 तक की सैलरी में आपको 5% देना है, और 1,00,000 से 1.5 लाख तक की 7% देना है। तो हम वो आगे मल्टीपल देखने वाले हैं, अभी हम सिंपल ही रहने देते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर 5% किया है परसेंटेज में, यानी कि हर एक एम्प्लॉय को 5% बेसिक सैलरी का एचआरए मिलने वाला है। तो इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो अब हमारा जो एचआरए है वो हो गया है। तो अब हम बनाने वाले हैं कन्वीनियंस अलाउंस के बारे में। तो कन्वीनियंस यानी कि अगर आप कंपनी के काम से फील्ड वर्क पर जाते हैं तो आपको ट्रैवलिंग में जो भी एक्सपेंस होता है तो वो हमको कंपनी वापस से पेमेंट कर देती है कि हमने कितना ट्रैवल पे एक्सपेंस किया हुआ है, तो उसको हम कन्वीनियंस अलाउंस बोलने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कन्वीनियंस बना देंगे, और इसको हम एंटर करेंगे, और कन्वीनियंस अलाउंस हमारा जो है वो भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग ही है, और वो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही है।
इसको भी हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय कर देंगे, इसको हम फिक्स और इसको हम फिक्स्ड ही रहने देने वाले हैं, और इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे और नेट सैलरी पे इफेक्ट को भी यस करेंगे, और कन्वीनियंस अलाउंस को हम यही रहने देने वाले हैं, और कैलकुलेशन टाइप में हम यहाँ पर फ्लैट रेट रखने वाले हैं, यानी कि हमको जो भी एम्प्लॉय खर्चा करने के बाद मंथ एंड में बताएगा तब हम उसको अलग से डिफाइन करके उसको सैलरी में ऐड करके देने वाले हैं, तो इसको भी हम फ्लैट रेट में रखने वाले हैं, तो इसको भी हम कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। तो अब हम बनाने वाले हैं डियरनेस अलाउंस को। डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। तो आजकल महंगाई बढ़ रही है तो कुछ कंपनी हमको कुछ प्रतिशत डियरनेस अलाउंस भी देती है, तो हम यहाँ पर डियरनेस अलाउंस का नेम रखने वाले हैं, और पे हेड टाइप में भी वही चीज रहेगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स्ड रहेगा, और इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म करके डी ए कर देंगे, यानी कि डियरनेस अलाउंस। और कैलकुलेशन टाइप में हम यहाँ पर रखने वाले हैं इस कंप्यूटेड वैल्यू। तो हम यहाँ पर डियरनेस अलाउंस मान लीजिए कि 2% देते हैं, तो हम यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे और बेसिक सैलरी पे ही हम डियरनेस अलाउंस देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम परसेंटेज सिलेक्ट करके वैल्यू लिख देंगे 2%, यानी कि हर एम्प्लॉय को 2% का डियरनेस अलाउंस मिलने वाला है, तो इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो अब हमारी बारी आती है ईपीएफ की, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि हमारी सैलरी में से हर मंथ ईपीएफ कट होता है, और वो हम कंपनी को सरकार को जमा कराना होता है, और एंड में अगर वो रिटायर होता है एम्प्लॉय तो वो सारा का सारा पैसा पीएफ अकाउंट से निकल सकता है। तो इसलिए हम ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन है, वो हमारी सैलरी में से कट होता है, तो ये अलग तरीके से हमारा बनेगा। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिडक्शन का पे हेड बना देंगे, और इसको हम रखेंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए, ये एम्प्लॉय का एक डिडक्शन है, इसलिए हम पे हेड टाइप में स्टैट्यूटरी डिडक्शन सिलेक्ट करेंगे, और कंपनी के लिए ये करंट लायबिलिटी है, क्योंकि हमको बाद में ये सरकार को जमा कराना होता है, इसीलिए ये हमारी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंस हो गया है। तो हम इसको नेम ऑफ डिस्प्ले इन पे स्लिप में ईपीएफ कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी एस कंप्यूटेड वैल्यू में आ गया है, हमने कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया था। अब हम यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर देते हैं, हम इसको भी ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम बेसिक सैलरी कर देंगे और एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी हम परसेंटेज में 10% कर देते हैं, कि हमारा हर एम्प्लॉय का 10% का ईपीएफ डिडक्ट होगा, और इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो हमारा ईपीएफ का भी बन गया है। अब हम बनाएंगे ओवरटाइम। ओवरटाइम यानी कि अगर आप कंपनी में ज़्यादा घंटे काम करते हैं तो वो आपका ओवरटाइम में गिना जाता है, जिसकी आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो हम यहाँ पर ओवरटाइम का एक पे हेड बना देंगे, जिसको हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ही रखने वाले हैं, और इनकम टाइप में भी हम फिक्स्ड रहने देने वाले हैं, और इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख देंगे, और नेट सैलरी में से तो ओवरटाइम को हम ओवरटाइम में रखने देंगे। कैलकुलेशन टाइप में हम यहाँ पर ऑन प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि ओवरटाइम जो है वो प्रोडक्शन पे होगा, उसको हम प्रोडक्शन टाइप हमने बनाया था ओवरटाइम, उसको आपको सिलेक्ट यहाँ से कर देना है। तो ओवरटाइम जो है वो हमारा ऑन प्रोडक्शन आएगा कैलकुलेशन टाइप में, और प्रोडक्शन टाइप में हमारा ओवरटाइम आएगा, तो इसको भी हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो ऑन प्रोडक्शन इसलिए है कि जितने ज़्यादा घंटे एम्प्लॉय काम करेगा उसको इतना पैसा मिलने वाला है, इसलिए वो हमारा ऑन प्रोडक्शन आ गया। तो हमारा जो ओवरटाइम और लेट डिडक्शन होता है वो ऑन प्रोडक्शन ही होता है। तो अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा
पे हेड है वो है लेट डिडक्शन। लेट डिडक्शन यानी कि अगर आप कंपनी में आधा घंटा भी लेट आते हैं तो आपका पूरा एक घंटे का सैलरी चला जाता है, तो वो हमारा लेट डिडक्शन हो गया। तो ये जो लेट डिडक्शन है वो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी, ये जो है वो कंपनी के लिए डिडक्शन है इसलिए, और इसको हम, इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखने वाले हैं। और यहाँ पर नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा तो इसको भी यस करेंगे। और नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हमारा लेट डिडक्शन ही रहने वाला है। और कैलकुलेशन टाइप में ऑन प्रोडक्शन आएगा, और यहाँ से हमने लेट का भी एक प्रोडक्शन बनाया था आगे की वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं वहां से कि कैसे हमने प्रोडक्शन टाइप और अटेंडेंस टाइप बनाए थे। तो यहाँ से हम लेट वाला जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं और इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो हमारा लेट डिडक्शन वाला जो पे हेड है वो भी बन गया है। तो अब हम देखते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिडक्शन, यानी कि कुछ कंपनी वाले ESI देते हैं, यानी कि कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसकी सैलरी में से कुछ प्रतिशत वो इंश्योरेंस का डिडक्शन ले लेते हैं। और बाद में मंथली अगर उनको या उनकी फैमिली वालों को कोई भी मेडिकल की ज़रूरत है, यानी कि वो फिर मेडिकल का जो भी खर्चा है वो जाके करा सकते हैं हॉस्पिटल में, तो उसका कार्ड बनता है। तो मान लीजिए कि इसमें भी कंपनी अपना भी कुछ हिस्सा देती है, और उससे अगर आपने मान लीजिए कि 5,000 रुपये भी आपका सैलरी में से कट हुआ है तो आप 50,000 तक का भी सुविधा ले सकते हैं। यानी कि आपको अगर कोई फैमिली में बीमार पड़ा तो आप ट्रीटमेंट के लिए वो पैसा खर्च कर सकते हैं। तो हर एक कंपनी का अलग होता है कि वो कितना डिडक्शन लेती है और साथ में वो कितना हमको पे करती है ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे बना देंगे एम्प्लॉई स्टेट डिडक्शन, और इसको हम रखने वाले हैं एम्प्लॉई स्टेचुटरी डिडक्शन में। और ये हमारी करंट लायबिलिटी है क्योंकि आगे हमको ये पेमेंट करना है इसलिए। और हम डिस्प्ले प्लेसशिप में ESI कर देंगे शॉर्ट फॉर्म में, और साथ में हम यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे। और यहाँ से हमारा ESI जो होता है वो चार चीज़ों पे काउंट होता है, एक तो बेसिक सैलरी होता है, और दूसरा होता है हमारा HRA, और तीसरा हमारा होता है ओवरटाइम और कन्वीएंसी एक्स, यानी कि ये जो हमारे चार हेड है हमको वो सिलेक्ट करने हैं। जो हमारा ESI होता है वो इन चार चीज़ों पे कैलकुलेट होता है। तो हमको बेसिक सैलरी, HRA, ओवरटाइम और कन्वीएंसी वाला जो हमारा पे हेड है उसको सिलेक्ट करना है, और इसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और यहाँ पर हम परसेंटेज दे देंगे 2%, यानी कि हमने ESI जो हमारी कंपनी में रूल है वो 2% का है, तो हम इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो ये हमारा ESI का भी हो गया है पे हेड। अब हम देखने वाले हैं प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स में भी हर एक स्टेट का अलग अलग रूल होता है कि आपको अगर किसी पर्सन की सैलरी इतनी सैलरी से ज़्यादा है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स जमा कराना होता है डिडक्ट करते। तो हम यहाँ से प्रोफेशनल टैक्स का एक पे हेड बना देंगे, और ये भी हमारा एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शन है जो हमारी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि हमको आगे ये सरकार को भी जमा करानी होती है। और इसको हम ऑन करंट अर्निंग टोटल पे रहने देने वाले हैं, यानी कि हमारे प्रोफेशनल टैक्स है वो टोटल अर्निंग पे लगता है। तो इसमें हमको मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में ऑन करंट अर्निंग टोटल सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू ही मैं दे देती हूँ 500 रुपये। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको अलग अलग बता देती हूँ। तो मान लीजिए कि अगर किसी की सैलरी 25,000 तक है तो उसका 500 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स कटना चाहिए, और 25,000 से 50,000 तक उसकी सैलरी है तो हम उसका भी वैल्यू दे देंगे 700 रुपीज़, और 50,000 से
80,000 तक अगर किसी की सैलरी है तो उसका भी हम वैल्यू यहाँ पर 1000 दे देते हैं, और 80,000 से जितनी भी ज़्यादा होगी तो उसका हम यहाँ पर 1500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स काटेंगे। तो ये हमने, मैंने आपको मल्टीपल रेट भी बता दिया है, ये वैसे मैंने अपने आप से ही बनाया है, लेकिन आप अपने तरीके से देख ले कि आपको प्रोफेशनल टैक्स आपकी कंपनी में कितना परसेंटेज है या तो कितनी वैल्यू पे है। तो अगर आपको अलग अलग मल्टीपल तरीके का भी यहाँ पर फॉर्मूला लगाने हैं, यानी कि अलग सैलरी के लिए अलग तरीके के डिडक्शन और अलग तरीके की परसेंटेज आपको डिफाइन करनी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको भी हम कंट्रोल एक करके सेव कर देंगे। तो प्रोफेशनल टैक्स का भी आपका यहाँ पर पे हेड बन गया है। तो अभी हमारे सारे के सारे पे हेड बन गए हैं। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इतने पे हेड बनाए हैं, और इसका आपको पूरा का पूरा जो डेटा चाहिए वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से सारे के सारे पे हेड बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही आप पे हेड्स बना सकते हैं। तो ये आज की वीडियो काफ़ी लंबी थी, क्योंकि पे हेड्स जो हुए वो हमारा मेन चीज़ है, और अगर ये आपने सही से बना लिया तो आपकी जो सैलरी है वो सही से कैलकुलेट होगी। तो आगे की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम पेरोल ग्रुप कैसे बनाएंगे और एम्प्लॉय क्रिएशन और एम्प्लॉय कैटेगरी कैसे बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपने अभी तक हमारे पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर से कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसका भी हम जरूर से रिप्लाई देंगे। और अगर आपको किसी और वीडियो पे भी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करें, शेयर भी जरूर से करें, और अगर आपने हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा है तो उसका भी आप कमेंट में हमको आंसर जरूर से दें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, और साथ में हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है या नहीं किया है। तो इससे भी हमको मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है और हमारी ये वीडियो सारे लोग देख रहे हैं। क्योंकि अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको सीखने की इच्छा है, इसलिए ही आप देख रहे हैं। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो था तो अभी तक आपने देखा है तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस चीज़ के लिए भी थैंक यू। और आपको आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।